सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोने जा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोने जा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोने जा। भाई जे कदे तवा पेंजे बारन जी मिटी माटी ता कयो ए हुनन जी मीटिंग करण लाए होटल जा खर्च करे रहया आयो त तवा जी लाए एक खुशखबरी आहे risto.com जो रिश्तो मीट एक शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तवा के बिल्कुल फ्री में मिलंदो कोई भले तवा जी मेंबरशिप होजे या न हते 10 का 15 मानु आराम सा ऑक्युपाई थी सकना हन त पो देर छा जी अज ही विजिट कयो रिश्तो मीट में risto.com सिंधन जो सिंधन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविवार को 99 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिनमें कई वर्तमान आमदारों के नाम इस लिस्ट में थे जिन्हें पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी दी गई है, जिनमें कल्याणपुर और मुरबाड़ शामिल है। पर पासी की 141 उल्लासनगर विधानसभा के वर्तमान आमदार कुमार ऐलानी का लिस्ट में नाम नहीं आने से शहर में अटकलों का बाजार गर्म है। तो दूसरी तरफ पिछले 40 वर्षों से पार्टी में काम करने वाले कई नेताओं की उम्मीदवारी की महत्वाकांक्षा है, जिसके चलते पार्टी से अब उम्मीदवारी की मांग उल्लासनगर बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने की है। अब देखना होगा दूसरी लिस्ट में आमदार कुमार ऐलानी का नाम सामने आता है या प्रदीप रामचंदानी का, इस और भी सबकी नजर है कि भारतीय जनता पार्टी की 99 प्रत्याशियों की सूची कल सभी टीवी चैनलों में और समाचार पत्रों में आज आई है। बाकी जो सूची है वो जल्द ही आएगी। उल्लासनगर का नाम अभी तक नहीं आया है तो इसका अर्थ यह है कि उल्लासनगर में प्रत्याशी देने में जो पार्टी के इंटरनल सर्वे होते हैं और सारी जितने भी यहाँ के पदाधिकारियों हैं उनका मत जाना जाता है, उन सारी चीज़ों को सोच समझकर जीतने की जिसमें संभावनाएं ज़्यादा हों ऐसे प्रत्याशी का चुनाव किया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली लिस्ट में आना चाहिए, दूसरी लिस्ट में भी आ सकता है, तीसरी लिस्ट में भी आ सकता है, लेकिन जिसके भी नाम जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पक्ष श्रेष्ठ है, वरिष्ठ नेता हैं, वो जिस भी प्रत्याशी का, जिस भी उम्मीदवार के नाम का चयन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उस प्रत्याशी को भारी बहुमतों से यहाँ से विजयी करवाएगी। सर, आप भी चाहते हो कि उल्लासनगर में आपको टिकट मिले, किस बुनियाद पे पक्ष की ओर ने अपना आपका किराय आपने रखी है टिकट के लिए? 1982 से लेके मैं पक्ष में काम कर रहा हूँ, करीबन 42 वर्षों से काम करता हूँ। तो हर एक कार्यकर्ताओं की एक महत्वाकांक्षा होती है और उस महत्वाकांक्षा के आधार पर हमने पार्टी से आवेदन किया था कि मैं भी इच्छुक हूँ। और जो हमारे यहाँ पर कृपा शंकर जी आए थे सभी कार्यकर्ताओं का मत जानने के लिए, उसमें भी कई कार्यकर्ताओं ने हमारा नाम दिया है। और महत्वाकांक्षा पार्टी का काम करते, संगठन का काम करते होने के बाद स्वाभाविक रूप के मन में आता है कि हम भी कार्यकर्ता हैं, हम भी प्रतिनिधित्व करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वह पार्टी के हित में निर्णय लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रत्याशी के लिए काम करते हैं। रविंद्र चौहान उस दिन आए थे तो क्या बातचीत हुई? रविंद्र चौहान जी हमारे आदरणीय मंत्री आए थे, उनका विषय संगठन था। सभी जितने भी 1 से 12 पैनल और मारल वरब कांबा, उन सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात किया और संगठन को मजबूती के साथ काम करना, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं से ही भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलता है, किसी ऐसे नहीं निकलता है कि किसी माँ की कोख से निकला वही नेता होगा, यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। आप देखेंगे हमारे सभी जितने नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, ये एक आम कार्यकर्ता बनकर ही आगे बढ़े हैं।
तो ये समझाने का प्रयास किया कि सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जो है सबसे बड़ी पूंजी है कार्यकर्ताओं को एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करना। इसीलिए उन्होंने सिलसिलेवार सभी पैनलों के और सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और उनको चुनाव जीतने के गुर सिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।